नेहरू युवा केंद्र मुरादाबाद के तत्वावधान में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संत राजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज हिमगिरी कॉलोनी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिमगिरी कॉलोनी की पार्षद प्रिया सिंह रही। इस मौके पर लोक नृत्य, एकल गीत, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, समूह गान और नाटक प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। अभी हमारा राष्ट्र किसी विपत्ति में घिरा हो तो युवाओं ने ही उसे उस विपत्ति से उभारने का काम किया है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि सन 1947 से पहले हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसको उभारने के लिए हमारे देश के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जब देश की पहचान होती है तो इसके लिए सबसे बड़ी गौरव की जो बात है वो हमारे लिए है, क्योंकि हमारे खेलने से एक हमारे जब देश की पहचान होती है तो क्यों ना हम देश के लिए खेलें। कि दुनिया के दुख दर्द मिटाए उसे इंसान कहते हैं, दुनिया के दुख दर्द मिटाए उसे इंसान कहते हैं, जो दुनिया से पाप मिटाए उसे भगवान कहते हैं। खिलात है और शरण देता है लाखों करोड़ों को, उस देवों की भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं, उस देवों की भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर मुख्य अतिथि प्रिया सिंह, जिला युवा समन्वयक ललित कुमार, नेहरू युवा केंद्र मुरादाबाद के लेखाकार शांति भूषण पांडे, कॉलेज के प्रबंधक उमेश चंद सैनी, प्रधानाचार्य पूनम चौधरी और नेहरू युवा केंद्र मुरादाबाद के प्रशिक्षक आवरण अग्रवाल ने किया। उद्घाटन सत्र में युवाओं को संबोधित करते हुए जिला युवा समन्वयक ललित कुमार ने नेहरू युवा केंद्र की विस्तृत जानकारी दी और सभी को प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं के योगदान का महत्व बताया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के द्वारा हरियाणवी, राजस्थानी और गुजराती लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर युवाओं द्वारा एक नाटक की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर सभी ने कार्यक्रम की खूब सराहना की। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को पुरस्कारों का वितरण मुख्य अतिथि प्रिया सिंह, जिला युवा समन्वयक ललित कुमार और शांति भूषण पांडे ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम में रजनी, मयंक वर्मा, रंजीत कुमार, रूबी रानी, गौरव कुमार, हरविंदर सिंह रानी और चंद्र सिंह आदि युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन युवा समाज सेवी ईशांत शर्मा द्वारा किया गया। बच्चों का एक डिबेट कॉम्पिटिशन था संत राजेंद्र स्कूल में, और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूथ। द टॉपिक वॉज लाइक साइंस इज अ बून और अ कर्स, वुमेन एम्पावरमेंट लाइक दैट, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द डिबेट। स्टाफ बहुत सपोर्टिव है और बच्चों के साथ बहुत मेहनत कर रही है स्टाफ ने। स्कूल में बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, फिर भी काफी अच्छी तैयारी की गई है स्कूल में। आज हमारा जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से कराया जा रहा है और यह डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के अलावा अपने जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ से बच्चों ने प्रतिभाग किया है। संत राजेंद्र सिंह का पूरा स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के प्रबंध समिति के सदस्य, प्रबंधक महोदय, उन सबका भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास रहता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को यह संदेश दे पाए कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, उसकी तहजीब को बच्चे पहचानें और जो हमारी कल्चर है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय हमारे चाहे वो लोक नृत्य हैं, चाहे वो लोकगीत हैं या हमारे छोटे छोटे रीति रिवाज हैं, उनको किस प्रकार से बनाते हुए हम अपने सभी युवाओं को आगे बढ़ने का एक संदेश दें। ऐसे कार्यक्रमों को कराने का हमारा यही उद्देश्य है। ललित जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम योगदान रहता है विद्यालय के अंदर और इस तरह की विभिन्न बहुत सारी प्रतियोगिताएँ कराते रहते हैं विद्यालय के अंदर और इससे ऐसी प्रतिभा निकलती आती हैं, जैसे कि अभी हमारे विद्यालय में आज का जो कार्यक्रम है सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत बच्चों ने बहुत चढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत सारे बच्चों ने और विभिन्न स्कूलों के भी बच्चे आए जिन्होंने भी देखा और इससे ये निकल के आती है, प्रतिभा निकल के आती है, जिससे लगता है कि हाँ एक प्रोग्राम होता है जो बच्चों के अंदर प्रतिभा छुपी रहती है
उसको उजागर करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में होती रहती है और हमारा बहुत बड़ा योगदान मिलता रहता है हमारे युवा कल्याण की तरफ से